आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी एक्सेल के ऊपर। यहाँ पर हम आपको एक्सेल ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि जो सिनेरियो मैनेजर है वो कैसे काम करता है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो अपने एक्सेल शीट में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमने गोल सीक के ऊपर, और उसमें हमने आपको प्रॉपर विद एग्जाम्पल आपको बताया था कि जो गोल सीक है उसको आपने जो डाटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस है उसके अंडर जो आपका गोल सीक है उसको आप कैसे यूज करोगे। तो विद एग्जाम्पल हमने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था। जिन्होंने आप हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी वो लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी एक्सेल के ऊपर ही, जो एक्सेल ट्यूटोरियल हमने एक सीरीज शुरू की हुई है इसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में कि जो सिनेरियो मैनेजर है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, एंड देन इसके थ्रू आपका जो डाटा है उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो इजिली। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। पर मैं स्टार्ट करता हूं एक्सेल से। यहां पर मैंने एक सिनेरियो मैनेजर के अंडर एक जो एग्जाम्पल है वो यहां पर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। इसी को ही हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर ही हम अपने वो डाटा है जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर मैं जो बात कर रहा था आपका सिनेरियो मैनेजर की, तो ये आपको मिलेगा यहां पर डाटा टाइप में। यहां पर हमें मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस, यहां पर आपको मिलेगा गोल सीक। तो गोल सीक के ऊपर हमने लास्ट वीडियो जो थी हमारी एक्सेल ट्यूटोरियल के ऊपर वो हमने आपको बताई थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिनेरियो मैनेजर की कि जो सिनेरियो मैनेजर है वो क्या है और कैसे काम करता है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयज हैं, ये आपके पास 5 एम्प्लॉयज हैं और इनकी जो मंथली सेल है, जैसे कि ये एक आपका मंथ है जैन, तो इसकी जो जनवरी महीने की जो सेल थी वो आपकी थी, जैसे कि अर्जुन ने इतनी सेल की है, राहुल ने इतनी की है, दक्षिण ने इतनी की है, अभिनव ने इतनी की है और अंकुश ने इतनी की है। तो बात ये है कि अब हम इनके जो टारगेट है इनको हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं फेब मंथ में, और मार्च मंथ में हम चाहते हैं कि इसका जो टारगेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, ताकि जो हमारी जो सेल की कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हमारे पास क्या सिनेरियो निकल के आएगा अगर हम इनकी जो सेल है, इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो सेल की जो कैपेबिलिटीज है उसको इंक्रीज किया जाए। तो इनके अगर हम टारगेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं सिनेरियो मैनेजर के थ्रू। तो यहां पर आपने करना क्या है कि जिनकी आपने सेल्स को आपने क्या करना है चेंज करना चाहते हो, जिनके आप टारगेट को इंक्रीज करना चाहते हो, उन्हीं सेल को आप क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सभी को करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो सभी को सिलेक्ट करना कर सकते हो। देन आपने क्या करना है डाटा टाइप में जाना है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस के अंडर सिनेरियो मैनेजर की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सिनेरियो मैनेजर में जाओगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनको भी मैं आपको बताता रहूंगा कि इसको आप कैसे यूज करोगे। सबसे पहले हमारे पास जो हाईलाइटेड है वो है हमारे पास ऐड एंड मर्ज का। तो हम कहाँ पर जाते हैं ऐड के ऊपर कि हमने जो सिनेरियो है उसको हमने क्या करना है ऐड करना है। जब हम ऐड पर जाएंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि आपका सिनेरियो का नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो फेब 2020 की फेबरी मंथ की जो हमने जो सेल थी वो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से भी सेल सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अगर आपको एक दो सेल के ऊपर ही आपने क्या करने हैं एक्शन परफॉर्म करने हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से लेके अगर आपने यहाँ तक करना है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सेल की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हमारे सेल सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर आ गया कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना चाहता, एंड देन मैं क्या करता हूँ ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर वो बता रहा है कि सिनेरियो की वैल्यूज, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये फर्स्ट से लेके 5 तक हमने इसको सिलेक्ट किया था, तो आप इनके टारगेट्स को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं 5,000। जैसे कि इसका 20,000 था, इसका मैं कर देता हूँ 25,000, 23,000, 27,000, 31,000, 26,000। तो मैंने इनके जो सेल्स थी उसको मैंने क्या किया 5,000 क्या किया मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ ओके। तो ये हमारे फेब मंथ का क्या आ गया सिनेरियो। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है डिलीट का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया और एडिट का। तो सीधी सी बात है डिलीट से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इसको आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, और एडिट में आप इसमें जो आपने वैल्यूज लिखी है, जो वैल्यूज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप इनको क्या कर सकते हो एडिट कर सकते हो ओके। तो यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो की एंट्री यहाँ पर हमने डाल दी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, तो हमें एक और करता हूँ मैं मार्च। तो मार्च 2020 की मैंने यहाँ पर एक एंट्री डाली है,
एंड देन सेक्शन जो आपने सेलेक्ट करने हैं वही ऑलरेडी आपके पास सेलेक्टेड है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कमेंट सेक्शन को डिलीट कर देते हैं एंड देन मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने जैन से फैब में गया था तो मैंने 5000 की एंट्री की थी, तो यहाँ पर 25 हो गया था। अब मैं इसको थोड़ा सा 5000 और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30,000, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 28,000, यहाँ पर कर देता हूँ 30,000, और फिर से मैंने उनमें 5,000 की क्या कर दी है आपकी एंट्रीज को इनक्रीज कर दिया। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको ओके करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर दो एंट्रीज आ गई, ऐसे आप अप्रैल मंथ की भी कर सकते हो। तो जितने आप यहाँ पर एंट्री करोगे उतने आपके सिनेरियो की आपके सामने डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिलहाल दो ही लेता हूँ। अब इनको मैं क्या करता हूँ समरी, तो यहाँ पर मैं समरी के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आप पाइवट टेबल के थ्रू भी देख सकते हो, सिंपल समरी देख सकते हो। तो बेसिकली हमें समरी की ही जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मैं समरी को क्या करता हूँ ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमारे पास एक सिनेरियो की जो समरी है वो आपके सामने क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जैन में वैल्यूज थी आपके पास, आपका जो टारगेट था टोटल इतना टारगेट था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो सेल के जो रेफरेंस है वो बता रहा है, नाम नहीं बता रहा है। इसको आपने कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जैन में इतना टारगेट कंप्लीट हुआ, फेब में हम इतना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम इनको 5,000 रुपया टारगेट और ज्यादा इंक्रीज कर दें, और मार्च में हम इतना टारगेट क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। तो यहां से आपको एक सिनेरियो, एक समरी आपके सामने क्या आ जाएगी, डिस्प्ले आ जाएगी, और आपको एक एक्शन लेने में या फिर आपको जो भी है एक डिसीजन लेने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी इस सिनेरियो मैनेजर के थ्रू। तो बात करते हैं जैसे कि हम यहां पर, कि यहां पर जो सेल है उनकी वो क्या कर रहा है, वैल्यूज को शो कर रहा है, वहां पर उसके जो नाम है वो शो नहीं हो रहे। तो मैं इस शीट को जो एक्स्ट्रा बनी हुई है इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड देन देखिए यहाँ पर जब भी हम कोई सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल का एक नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर जी एफ कॉलम है और यहाँ पर 6 रो है, तो ये वाला सेल जो होगा वो आपका क्या होगा, F6। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसका नाम क्या आ रहा है, F6। लाइकवाइज ये F7 होगा, F8 होगा, F9 होगा और F10 होगा। तो इनकी आप नेमिंग भी कर सकते हो। नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसका नाम अर्जुन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अर्जुन को कॉपी करता हूँ, इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके जो F6 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं अर्जुन को पेस्ट करके और यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर F6 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अर्जुन। लाइकवाइज मैं वैसे ही जो राहुल है राहुल के सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर F7 आ रहा है, इसको मैं पेस्ट करूंगा राहुल के साथ एंटर कर दूंगा, और जब इसका सेल को चेक करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राहुल। तो अब मैं सभी वैल्यूज को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ उनके नाम के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यूज हमारे पास डिस्प्ले हो वहां पर वो सेल के एड्रेस ना डिस्प्ले करे, सिर्फ और सिर्फ उसके जो नाम है वही डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर मैं अंकुश को भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं उसके सेल के ऊपर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए अर्जुन, राहुल, दक्ष, अभिनव एंड अंकुश, इनके नाम आ गए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डाटा टैब में जाकर, और हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस में हम क्या करते हैं सिनेरियो मैनेजर में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन इसको ओके करता हूँ। तो अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि अब इनके यहाँ पर वो सेल की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर क्या आ रहा है उसके नाम आ रहे हैं, कि अर्जुन की जो जैन मंथ की जो थी सेल्स थी वो 20 थी, यहाँ पर 25 होगी, यहाँ पर 30 होगी। तो ओवरऑल हमारी जो कंपनी है इसको कितना प्रॉफिट होगा कितना नुकसान होगा इसको आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो आसानी से। तो ये थी हमारी सिनेरियो मैनेजर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, कि आपका जो सिनेरियो मैनेजर है वो कैसे काम करता है, कैसे आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपना एडवांस में ही आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि आपने जो टारगेट्स हैं उसको आप सेट कर सकते हो इजीली, कि अगर हमारा इतना टारगेट उस मंथ होगा तो हम इतनी सेल्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप किसी और एंगल पर भी जाकर या किसी और काम में भी आप क्या कर सकते हो, इस सिनेरियो मैनेजर को आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सिनेरियो मैनेजर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे YouTube चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।